हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 आई एम मलाला के अदर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो वर्ड वेब में पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, आइडेंटिफाई एंड राइट इफ़ दे आर होमोनिम्स, होमोफोन्स और हेट्रोफोन्स। तो हमारे पास ये तीन ऑप्शंस मिले हैं, लेकिन पहले जानना होगा कि ये तीन होते क्या हैं। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। होमोनिम्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, होमोनिम्स क्या होते हैं? टू और मोर वर्ड्स डेट आर स्पेल्ड द सेम एंड साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। जब टू या टू से ज़्यादा वर्ड जिसकी स्पेलिंग तो सेम हो लेकिन उनकी साउंड, जब हम उसे प्रोनाउंस करें वो भी सेम हो, मीनिंग अलग हो, तब उसे कहते हैं होमोनिम। एग्जाम्पल है बी ए आर के बार्क, बार्क का टू मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, द आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री और साउंड मेड बाय द डॉग। तो स्पेलिंग एक ही है, साउंड भी सेम है लेकिन डिफरेंट मीनिंग। अब होमोफोन्स क्या होता है? टू और मोर वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स, एग्जाम्पल बी एंड बी। तो दो वर्ड्स जो कि सुनाई तो देते हैं एक जैसे लेकिन उनकी स्पेलिंग में डिफरेंस है, और स्पेलिंग में डिफरेंस है तो मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। बी ई बी और बी डबल ई दोनों होमोफोन हैं। एंड फिर आता है हेट्रोफोन। हेट्रोफोन्स का मतलब होता है टू और मोर वर्ड्स विथ द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट साउंड एंड डिफरेंट मीनिंग्स। तो उनकी स्पेलिंग भले ही सेम हो लेकिन उनके साउंड और उनके मीनिंग दोनों ही अलग अलग होंगे, तो उन्हें कहेंगे हेट्रोफोन्स। एग्जाम्पल है विंड। विंड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एयर, और लेकिन इसका साउंड यहाँ पे दूसरे डब्ल्यू आई एन डी विंड नहीं, ये वाइंड हो गया, तो साउंड भी चेंज हो गया। विंड एंड वाइंड, वाइंड का मीनिंग हुआ टर्न करना। तो अब देखते हैं आंसर नंबर वन, पार्क। पार्क इज़ होमोनिम क्योंकि दोनों पार्क का स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग में डिफरेंस है। पहला मीनिंग है अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन प्ले, और दूसरा मीनिंग है टू प्लेस अ व्हीकल इन अ स्पॉट लाइक अ पार्किंग लॉट। जब पार्किंग करते हैं ना हम लोग गाड़ियों की, वो भी पार्क होता है। नंबर टू, फोर एंड फोर, एफ ओ आर फोर, एफ ओ यू आर फोर, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन साउंड सेम है, तो ये होमोफोन है। पहला फोर जो है प्रपोजिशन है और दूसरा वाला एक नंबर है। नंबर थ्री, बेयर एंड बेयर, ये भी बेयर एंड बेयर जो है होमोफोन है क्योंकि साउंड तो सेम है लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो नंबर वन, बेयर एक एनिमल है और बे ए आर ई बेयर मीन्स नॉट क्लॉथेड, खाली। नंबर फोर, सोर एंड सॉ, सोर एंड सॉ में ना स्पेलिंग सेम है, ना साउंड सेम है और ना मीनिंग सेम है, तो ये हो गया हेट्रोफोन। सोर का मीनिंग है पेनफुल और एकिंग, और सॉ का मतलब है एक्ट ऑफ सीइंग इन पास्ट, पास्ट टेंस है सी का। नंबर फाइव, हाइट, 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 हाइट भी होमोनिम है क्योंकि स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है बट मीनिंग में डिफरेंस है। नंबर वन मीनिंग इज़ अ प्लेस टू कीप अवे फ्रॉम अदर्स, सेकेंड मीनिंग इज़ स्किन ऑफ एन एनिमल। नंबर सिक्स, ग्रेव, ग्रेव एंड ग्रेव आर होमोनिम्स क्योंकि इनके मीनिंग में डिफरेंस है लेकिन साउंड सेम है। फर्स्ट मीनिंग इज पर्सन्स बरियल, सेकेंड मीनिंग इज समथिंग वेरी सीरियस। सेवन, सेल एंड सेल, साउंड तो दोनों सेम है लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है और मीनिंग में तो है ही, तो दिस इज होमोफोन। सो एस ए आई एल, सेल मीन्स टू ट्रैवल ऑन बोट, एंड एस ए एल ई, सेल मीन्स एक्शन ऑफ सेलिंग और परचेज। एट, टीयर, टीयर, ये होमोनिम है क्योंकि स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, मीनिंग में डिफरेंस है। तो एक टीयर का मतलब है वाटर कमिंग आउट ऑफ द आईज, आंसू, वाइल क्राइंग, आंसू जिसे कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज टू पुल अपार्ट समथिंग, किसी चीज़ को फाड़ देना, वो भी टीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर में। ए, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस से वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडजेक्टिव फ्रेजेज और एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेजेस। जो एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है वो हमें बताना है। वन, ही वॉज वेयरिंग अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड जो है वो क्राउन के बारे में बता रहा है, सो दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। टू, देयर आई मेट अ गर्ल विथ ब्लू आइज, ब्लू आइज जो है गर्ल का एडजेक्टिव है, सो ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। थ्री, ही फॉट विथ हिज माइट, विथ ऑल हिज माइट,
वो कैसे फाइट किया इसके बारे में बता रहा है, इसीलिए एडवर्ब फ्रेज है। फोर, दे चैटेड फॉर अ वाइल, अगेन चैटेड के बारे में बता रहा है, एक वर्ब के बारे में, सो इट इज एडवर्ब। फाइव, ही वॉज अ यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रोमिस, ऑफ ग्रेट प्रोमिस एडजेक्टिव फ्रेज है। सिक्स, ही मस्ट बी डन, इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, तो कैसे होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट एडवर्ब फ्रेज है। सेवन, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, इन नीड एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि वो फ्रेंड के बारे में बताता है। एंड एट, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, अगेन इन द हैंड जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो अब है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर बी, अंडरलाइन द फ्रेजेज एंड से व्हाट काइंड दे आर, हमें फ्रेज को अंडरलाइन करना है और उसका काइंड भी बताना है। तीन फ्रेजेज होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। नंबर वन, आई कैन वेट फॉर फाइव मिनट्स, अंडरलाइन फॉर फाइव मिनट्स, ये एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि वो कैसे वेट हो रहा है, कितना है उसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में। टू, आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज, विन द फर्स्ट प्राइज एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है इसीलिए नाउन फ्रेज है। थ्री, द किंग वोर अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, अगेन मेड ऑफ गोल्ड एडजेक्टिव फ्रेज है। फोर, शी रैन इन टू हर रूम, वो कहाँ भागी, इन टू हर रूम, ये एडवर्ब है इसीलिए एडवर्ब फ्रेज है। नंबर फाइव, द मैन डिनाइड स्टीलिंग द मनी, उसने क्या इनकार किया, डिनाइड किया, तो स्टीलिंग द मनी, इट इज़ एडवर्ब फ्रेज। नंबर सिक्स, द मैन लिव्ड इन अ हाउस मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड जो है हाउस के बारे में बता रहे, तो एडजेक्टिव फ्रेज है। सेवन, आई डिसलाइक गोइंग टू द जू, तो क्या डिसलाइक करता है किसी चीज़ को, नाउन को, इसीलिए गोइंग टू द जू है नाउन फ्रेज। एट, द गन वेंट ऑफ विथ अ लाउड नॉइज, किस तरह से वो गन वेंट ऑफ हुई, तो ये एडवर्ब फ्रेज होगा। नंबर नाइन, द फ्लैग ऑफ इंडिया फ्लू एट द टॉप ऑफ द मास्ट, यहाँ पे एट द टॉप ऑफ द मास्ट एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि वो फ्लैग कैसे फ्लू किया उसके बारे में बता रहा है। एंड द लास्ट वन, टेन, आई ट्राइड टू सॉल्व द पजल, आई ट्राइड टू, टू के बने किसी नाउन की ज़रूरत है, टू सॉल्व द पजल नाउन फ्रेज है।